मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक शादी कार्यक्रम में दुल्हन ने ज्वेलरी चोरी करने का सनसनीखेज घटना आई है। यहाँ एक बच्चा दुल्हन के आभूषण सहित नकदी से भरा बैग चुराकर ले गया। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इसमें एक बच्चा एवं युवक नजर आ रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरोह के सदस्यों की तलाश कर रही है। घटना हीरा नगर थाना इलाके स्थित मिलन गार्डन की है। यह रेस्टोरेंट संचालक योगेंद्र सिंह की बहन की शादी थी, इसके चलते दुल्हन के आभूषण और रुपये से भरा बैग चोरी हो गया। थोड़ी देर पश्चात परिवार के लोगों ने बैग को काम से ढूंढा, लेकिन सोफे पर रखा बैग नहीं दिखा। तब शाम लोगों के वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखा, इसमें एक नाबालिग के साथ दो युवक शादी कार्यक्रम से बैग ले जाते हुए नजर आए। तब फिर पश्चात घरवालों ने मामले की शिकायत पुलिस से की। मामले इंदौर के थाना प्रभारी दिलीप पुरी ने बताया कि यह शातिर गैंग शादी में चोरी करने के लिए बच्चे का उपयोग कर रहा है, जिससे बच्चों पर किसी को शक ना जा सके। पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरोह के लोगों का पता कर रहे हैं। जल्द ही इनके पकड़ लिया जाएगा। इससे पहले भी 3 शादियों में इस प्रकार से ही चोरी को अंजाम दिया गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में 21 नवंबर को रात सट्टेबाज को पकड़ने गई पुलिस टीम पर गांव के लोगों ने हमला कर दिया था। पथराव पर पुलिस की गाड़ी थी क्षतिग्रस्त कर दी गई। घटना में थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। दरअसल मुरैना में बागीचीनी थाना प्रभारी बलबीर सिंह की सूचना प्राप्त हुई थी कि लोहगट गांव में रहने वाला सुखलाल कुशवाहा सट्टा चलाता है। इस सूचना पर सोमवार की रात लबीर सिंह अन्य पुलिसकर्मियों के साथ लोहगट गांव में पहुंच गए। इसके चलते कुछ गांव के लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया।